दोस्तों, रंगों की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। आज मैं आर्ट जर्नलिंग के लिए जंग पेपर बनाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के साथ। इसमें मैं कॉफी पाउडर का यूज करने वाली हूँ और अलग अलग टेक्सचर के साथ कैसे हम अलग अलग पेपर बना सकते हैं, जो हमारी आर्ट जर्नलिंग अगर हम करें तो उसमें एक जंग लुक आए उसके लिए, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कला के नए रंगों को आवाज देने का काम शुरू करें। तो यहाँ मैंने A5 साइज का पेपर ले लिया है, उसके साथ ही मैंने 4 नंबर की निब ली है जिससे मैं देवनागरी में मैं अक्षर लिखूंगी। इसके साथ ही मैंने इंक और एक्रेलिक कलर दोनों यूज किए हैं। ये दोनों मैंने क्यों यूज किए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं यहाँ श लिख रही हूँ। श मुझे इसलिए भी लिखना था क्योंकि मेरा नाम भी है शिवानी। देवनागरी में हम निब को 45 डिग्री के एंगल में चलाते हैं। निब को 45 डिग्री के एंगल में हम होल्ड करके फिर उसको चलाते हैं हल्के हाथों से। इस पूरे पेपर के ऊपर मैं श को ही लिख रही हूँ, श शा शी ऐसे लिख रही हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इंक और एक्रेलिक दोनों यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब हम एक्रेलिक यूज करते हैं और उस पर कॉफी पाउडर हम यूज करेंगे तो वो फैलेगा नहीं, एक्रेलिक पे नहीं फैलता, लेकिन जब हम इंक यूज करेंगे और उस पर कॉफी पाउडर अप्लाई करेंगे तो वो फैल जाता है। तो मैं दोनों इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों टेक्सचर चाहिए थे, एक मैसी और एक एकदम क्लियर। यहाँ मैंने बेजिला का डार्क रोस्ट कॉफी पाउडर ले लिया है। आप भी यही यूज करें क्योंकि इसका जो कलर होता है वो काफी गहरा आता है, डार्क आता है। यहाँ ब्रश की हेल्प से, कोई भी ब्रश ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आप इसको हल्के हाथों से अप्लाई करें। यहाँ मैंने बड़ों को पहले से ही लिख लिया है और टेक्सचर के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। ये मुझे मिला था कूलर के अंदर से, मैंने उसके अंदर से ऐसे पुराना पड़ा हुआ था उसके अंदर से मैंने, जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि अरे इससे तो कुछ क्रिएट हो सकता है, टेक्सचर अच्छा बन सकता है, तो मैंने इसको निकाल लिया। आप इसको हाथ से इसको थोड़ा सा फैला दें, अगर ये ज़्यादा ऐसे बना रहेगा तो इससे टेक्सचर नहीं आएगा। अपने आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब उनसे कुछ भी क्रिएट हो सकता है, बहुत टेक्सचर क्रिएट हो सकता है। तो मैं तो ऐसे ही देखती रहती हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं, मैं जानबूझ के देखती हूँ, लेकिन मेरी जहाँ भी नज़र जाती है तो एकदम से लगता है कि अच्छे से भी कुछ बन सकता है। तो कॉफ़ी पाउडर को मैंने इसमें ले लिया है और आप ज़्यादा अगर इसमें आ गया है तो आप उसको पहले कपड़े पर उसको रख ले, उसको कपड़े पर ऐसे छिटका दे उसको। हल्के हाथ से मैं यहाँ कर रही हूँ, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। जब मैं हल्के हाथ से करूँगी तो मुझे थोड़ा थोड़ा कलर मिल जाएगा, लेकिन जब मैं चाहती हूँ कहीं कहीं पे कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए कलर, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा भर लें। इस पेपर के ऊपर जो मैं टेक्सचर बनाऊंगी वो थोड़ा मैसी चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने लिखा है ये मैंने इंक से लिखा है। आप कैमलिन किया, पार्कर की, कोई भी इंक यूज कर सकते हैं। इस टेक्सचर के लिए मैं चावल के दानों का यूज करूंगी। पहले उस पर मैं काफी इसको थोड़ा गीला हमें करना है और ये मैंने इंक की यूज करी थी, तो ये मैं चाहती थी कि ये थोड़ा अक्षर फैले फैले नजर आए, मैसी नजर आए, तो मैं थोड़ा इस पेपर पर मैं चावल के दाने से टेक्सचर बनाऊंगी। चावल के दानों को हाथ को थोड़ा ऊपर रखकर फिर उसको पेपर पर बिखरने दें।
कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए काम के साथ, तब तक के लिए बाय।